बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, एक नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, फाइनली एहसास राशन रहित प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में एक्टिव कर दिया गया है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के इस्लामाबाद में इस तरह की शॉप ओपन कर दी गई है, जिनके ऊपर आपको एहसास राशन रहित प्रोग्राम का लोगो भी लगा हुआ नजर आएगा और नेशनल बैंक का लोगो भी आपको लगा हुआ नजर आएगा। तो इस तरह के किराने स्टोर जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर ओपन कर दिए गए हैं। तमाम गरीब लोग, मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग मुख्तलिफ चीजें सस्ते दामों इन स्टोर के ऊपर जाके खरीद सकते हैं। अगर आप आटा खरीदना चाहते हैं, दालें खरीदना चाहते हैं, घी खरीदना चाहते हैं, कुकिंग ऑयल अगर आप खरीदना चाहते हैं, या इस तरह के और खाने पीने वाली चीजें खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों ये आपको सस्ते दामों जो है इन स्टोर के ऊपर मिल सकती है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा एहसास राशन रहित प्रोग्राम में आपने घर बैठे कैसे अप्लाई करना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आप एहसास राशन रहित प्रोग्राम के लिए अहल है या नहीं अहल है, ये कैसे चेक करना है। इसके अलावा एहसास राशन रहित प्रोग्राम क्या है या किन लोगों के लिए शुरू किया गया है, कौन कौन सी चीजें आपको सस्ती मिल सकती हैं, ये सारी तफसीलात मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पे चीजें समझ आ सके, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, एहसास राशन रहित प्रोग्राम जो है ये पूरे पाकिस्तान में शुरू किया गया, ठीक है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के इस्लामाबाद में। तो जहां पर भी आप रहते हैं, आपके करीब तरीन जितने भी मशहूर स्टोर हैं, जितने भी मशहूर किराने स्टोर हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया गया है एहसास राशन रहित प्रोग्राम की जानिब से, ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े किराने स्टोर हैं उनको कहा गया है कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हजारों की तादाद में किराने स्टोर जो है वो अपने आपको इस वेबसाइट के ऊपर आकर रजिस्टर करवा रहे हैं। तो जैसे कोई किराना स्टोर अपने आपको रजिस्टर करवाता है, उसको नेशनल बैंक और एहसास राशन रहित प्रोग्राम जो है उसको वेरीफाई कर देते हैं बंदे को, और उसके बाद उस तरह की ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं उसकी शॉप के ऊपर जो है इस तरह का लोगो लगा दिया जाता है, ठीक है, एहसास राशन रहित प्रोग्राम और नेशनल बैंक। तो इन किराने स्टोर जो को वेरीफाई हो जाते हैं, इसके बाद इनको मुख्तलिफ चीजें जो है वो दी जाती हैं सब्सिडी के ऊपर, ताकि ये गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को जो है सस्ते दामों ये चीजें दें, ठीक है। कौन कौन सी चीजें आप खरीद सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आटा, दालें, घी, खाने की मुख्तलिफ चीजें, तेल जो खाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप हर महीने 1000 रुपए सस्ता सामान जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आपका टोटल बिल जो है वो 2000 बना है सारी चीजों का, तो 1000 रुपया आपको छूट दी जाएगी, 1000 रुपया आपने नहीं देना, ठीक है। तो जैसे ही आप चीजों को खरीदेंगे, फिर आपको इस तरह की एक लिस्ट बना के दी जाती है, ठीक है। तो इसकी भी तफसील इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा, और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने चीजों को कैसे खरीदना है घर बैठे, आपने कैसे इन चीजों को लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि एहसास राशन रहित प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम से कितने लोग मुस्तफीज हो सकेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको भी बताने वाला हूँ, आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। वजीर अजम इमरान खान ने 3 नवंबर 2021 को एहसास राशन रहित प्रोग्राम का ऐलान किया था। इस प्रोग्राम से पूरे पाकिस्तान के 2 करोड़ खानदान जो है मुस्तफीज हो सकेंगे, मजमुई तौर पर 13 करोड़ लोग जो है इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे, ठीक है। पाकिस्तान की 53% आबादी यानी आधी से ज्यादा आबादी को टारगेट किया गया है, आधी से ज्यादा आबादी जो है एहसास राशन रहित प्रोग्राम के तहत मुस्तफीज होगी, ठीक है। हर महीने आटा, दालें, घी, पकाने के जो ऑयल है, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो है, इनके ऊपर आपको 1000 रुपए की रियायत दी जाएगी हर महीने, ठीक है। अगर आपने अप्रैल के महीने में चीजें सामान खरीदा है तो आपके 1000 रुपए छूट दी गई है, अगले महीने फिर आप 1000 सस्ता सामान खरीद सकते हैं, उस अगले महीने 1000 रुपए, ठीक है। तो हर घर जो है 1000 रुपए तक जो सस्ता जो सामान है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। ये सहूलत नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुख्तस करदा किराना स्टोर पर दस्तयाब होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े जो किराना स्टोर है उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, जो आपके करीब तरीन मशहूर किराना स्टोर है उनको कहा गया है कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्टर करवाए, इसके बाद उनकी जो शॉप है या उनका किराना स्टोर उसके ऊपर इस तरह का लोगो लगा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसी किराना स्टोर के ऊपर जाके जो उस इलाके के लोग हैं वो मुख्तलिफ चीजें सस्ते दामों जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अभी और मैं आपको बता दूं,
रवा माली साल के लिए प्रोग्राम का निसब साल का बजट 120 अरब रुपए है। प्रोग्राम की लागत वफाक और एहसास राशन मदद में शामिल सूबे बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, अब तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की सूबाई हुकूमतें प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर आप वीडियो बनाते हैं, आप ये बताया करें ये जो वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये किन लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है। अब फाइनली बात आ जाती है दोस्तों, आपको ये तो चीज़ें पता चल गई कौन कौन सी चीज़ें आप एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत खरीद सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे एहसास राशन रियायत प्रोग्राम एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। ठीक है, ये एप्लीकेशन जो है ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, जो कस्टमर हैं और जो लोग चीज़ों को जो है सेल करना चाहते हैं, जो दुकानदार लोग हैं वो भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर दोस्तों आपको सारे जो है रेट लिखे हुए नज़र आएंगे कि चीनी का रेट क्या है, आटे का रेट क्या है, इसके अलावा दालों का रेट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है चीनी या आटे में से कितने पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे, कितने पैसे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, वो सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो आप दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अगर आप चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं तो इसके बाद अप्लाई आपने कैसे करना है, अब सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें। नंबर वन दोस्तों, आपने अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है। मोबाइल फ़ोन उठाने के बाद एक चीज़ आप नोट कर लें, मोबाइल फ़ोन दोस्तों आपने उठाना है और उसके बाद 8171 आपने लिखना है अपने सिम के ऊपर। याद रहे जिस सिम के ऊपर आप मैसेज करने जा रहे हैं वो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आपने अपना मोबाइल उठाना है और 8171 लिखना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद 8171 के ऊपर आपने मैसेज सेंड कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों आप 8171 के ऊपर मैसेज सेंड करेंगे, इसके बाद दोस्तों 2 हफ्ते का टाइम होगा या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते। ठीक है, मिनिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको मैसेज का रिप्लाई आएगा। वैसे तो 2 हफ्ते के अंदर टाइम होता है, अगर 1 हफ्ते के अंदर आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं आता तो फिर भी आपने इंतज़ार करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें, जैसे ही 1 हफ्ता गुजर जाएगा आपको मैसेज किए हुए तो फिर आपको इस तरह का मैसेज रिप्लाई आएगा। पहले आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ नजर आएगा आपको, उसके ऊपर आपको 8171 लिखा हुआ नजर आएगा, नीचे आपको लिखा हुआ नजर आएगा आपका गहराना एहसास राशन रहित प्रोग्राम के लिए अहल करार दिया गया है, अपने करीबी रजिस्टर्ड एहसास किराना स्टोर दुकान से रहित राशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों आपको ये मैसेज आएगा तो आपने अपने करीबी किसी भी इस तरह के किराने स्टोर के ऊपर चले जाना है जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर आपको नेशनल बैंक का ये लोगो लगा हुआ नजर आएगा, एहसास राशन रहित प्रोग्राम का लोगो आपको नजर आएगा। ठीक है, तो किराने स्टोर के ऊपर जाना है आपने और आपने साथ आपने मोबाइल फोन भी लेकर जाना है जो सिम आपके नाम पे है। ठीक, जिसके ऊपर आपको मैसेज आया है तो वो आपने साथ लेकर जानी होगी और शनाख्ती कार्ड भी आपने अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद आप चीजें जाके खरीदेंगे, जैसे अगर आप दाल खरीदना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप घी खरीदना चाहते हैं, इसके अलावा कुकिंग ऑयल अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो जो भी चीजें आप खरीदना चाहते हैं दोस्तों आपने 2 काम करना है, एक तो मोबाइल फोन अपने साथ लेकर जाना है, एक शनाख्ती कार्ड अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, तो जो भी चीजें आपने खरीदनी है आप खरीद लें। इसके बाद दोस्तों इस तरह की रसीद आपको बना के दी जाएगी जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 28 मार्च 2022 की एक रसीद है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जी, इन लोगों ने तेल खरीदा है, 5 पैकेट तेल के खरीदे हैं और आटे के 30 बैग इन्होंने खरीदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, फी अदद कीमत जो तेल की इन्होंने लगाई है पैकेट की 460 रुपये है और रियायत इनको जो दी गई है यहाँ पे देखिए जो टोटल इनका जो बिल बना है 1775 रुपये बना है। ठीक है, और रियायत इनको दी गई है 1775 में से 525 रुपये। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आटा खरीदा है 30 बैग और फी अदद बैग जो है उसकी कीमत 55 रुपये है और 475 रुपये इनको डिस्काउंट दिया गया है और 1175 रुपये इनके बाकी जो है रकम बनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे भी इन्होंने बता दिया जो एटम जो इन्होंने खरीदे हैं वो 2 खरीदे हैं और इसके अलावा जी कुल रकम जो बनी थी वो 3950 रुपये बनी थी और एहसास राशन के तहत 1000 रुपये इनको डिस्काउंट दिया गया है और असल कीमत जो है इनकी बनी है जी 2950 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की एक आपको रसीद दी जाएगी जब आप चीज़ों को खरीदेंगे। ठीक है,
तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे रियायत कितनी मिली है, डिस्काउंट कितना मिला है और असल कीमत चीज़ों की कितनी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद आपने जो कीमत पे करनी है उसकी डिटेल भी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये सारी वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं कि आपने सास राशन रियायत प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कौन कौन सी चीज़ें आप खरीद सकते हैं सास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया है कि ये पूरे पाकिस्तान में शुरू कर दिया गया है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनके ऊपर ऑफरें अवेलेबल हैं। अब भाई आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इक्यासी के तौर पर मैसेज सेंड करें और मैसेज का इंतजार करें, जो आपकी इक्यासी का तरह से रिप्लाई आएगा। इसके बाद आपने अपने करीबी किराना स्टोर के ऊपर जाकर चीज़ों को खरीद लेना है। अगर आप घर बैठे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है सास राशन रियायत प्रोग्राम के, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए banksnews.pk चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने एहसास राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए 8171 यानी कि 8171 SMS सर्विस शुरू कर दी है। 8171 पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके घर का कोई एक फर्द अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर उस मोबाइल सिम से भेजे जो उसके नाम पर रजिस्टर हो और 2 हफ्ते के बाद आपको 8171 से ही अहलियत का मैसेज मौसूल होगा। और अगर आपका घराना अहल होगा तो राशन भी घर का वही फर्द दुकान से रियायत पर ले सकेगा जिसका मोबाइल नंबर और शिनाख्ती कार्ड हमारे पास रजिस्टर होगा। घरों के साथ साथ हमने किराना दुकानदारों की भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मगर वो सिर्फ वेबसाइट पर ही रजिस्टर हो सकते हैं जिसका एड्रेस आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।